आधा भर से नाजरीन आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। तेलंगाना असेंबली और काउंसिल बजट इजलास का 12 मार्च से होगा आगाज। गवर्नर ईएसएल नरसिम्हन का खुतबा और 15 मार्च को मेगा बजट की पेशकशी। हुक्मरान टीआरएस पार्टी ने राज्यसभा के लिए तीनों उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। संतोष कुमार, बंडारू प्रकाश और बी लिंगैया होंगे उम्मीदवार। जवान नगर हुदूद में पुलिस की जानिब से घर घर तलाशी मुहिम। मुश्तबा अफराद जेरे हिरासत, लावारिस गाड़ियां की गई जब्त। शादी के अंदरून 3 माह पोस्ट के जरिए तलाकनामा भेजने का एक और अफसोसनाक वाकया। रहन बाजार पुलिस ने केस किया दर्ज। मुगलपुरा स्पोर्ट्स सेंटर में मौसम गर्मा के तहत स्विमिंग पूल की दोबारा कुशादगी। मजलिस रुकन असेंबली ने किया इफ्तिताह। देखते हैं खबरों की तफसील। तेलंगाना असेंबली और काउंसिल बजट इजलास का आगाज 12 मार्च को सुबह 10 बजे गवर्नर ईएसएल नरसिम्हन के खुतबे से होगा। पुलिस की जानिब से असेंबली और अतराफ अकनाफ में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। तवक्को है कि रियासी बिल फाइनेंस ई राजेंद्र 15 मार्च को साल 2018-19 का मेगा बजट पेश करेंगे। तेलंगाना असेंबली और काउंसिल बजट इजलास का आगाज 12 मार्च को सुबह 10 बजे गवर्नर ईएसएल नरसिम्हन के खुतबे से होगा। पुलिस की जानिब से असेंबली और अतराफ अकनाफ में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। तकरीबन 2500 मुलाजमीन की खिदमत हासिल करते हुए जगह जगह पुलिस को तैनात किया गया है। चीफ कमिश्नर पुलिस वीवी श्रीनिवास राव के मुजिब असेंबली और इसके अतराफ अकनाफ 4 किलोमीटर के फासले तक किसी भी किस्म के जुलूस और जलसे पर पाबंदी आयद की गई है। रियासी बिल फाइनेंस ई राजेंद्र 15 मार्च को टीआरएस हुकूमत का 5वां बजट पेश करेंगे, जो ज़राए के मुताबिक मेगा बजट होगा और साल 2017-18 के बजट से 20% इजाफी बजट होगा। इस बजट में वेलफेयर स्कीमात, आपाशी प्रोजेक्ट्स, मिशन भागीरथा, मिशन काकतिया, एससी और माइनॉरिटी तबकात पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की गई है। विधायक तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना से राज्यसभा के मुनक्किद होने वाले इंतखाबात के लिए पार्टी की तीनों नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। टीआरएस ने पार्टी जनरल सेक्रेटरी बी संतोष कुमार, बंडारू प्रकाश और बी लिंगैया को उम्मीदवार बनाया है। वरियाला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना से राज्यसभा के लिए मुनक्किद होने वाले इंतखाबात के लिए पार्टी की तीनों नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। टीआरएस ने पार्टी जनरल सेक्रेटरी बी संतोष कुमार, बंडारू प्रकाश और बी लिंगैया को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। तीनों उम्मीदवार 12 मार्च को अपने पर्ची नामजदगियां दाखिल करेंगे। वादरे की कांग्रेस पार्टी ने तीसरी नशिस्त के लिए साबिका मरकजी वजीर बलराम नायक को उम्मीदवार बनाया है। राज्यसभा के लिए मुनक्किद होने वाले इंतखाबात के लिए 23 मार्च को राय दही होगी। नाजरिया तेलंगाना और वजह तालीम के श्रीहरी ने एमआरपीएस कायदीन से अपील की है कि वो 13 मार्च को रियासतगीर बंद मनाने का जो ऐलान किया उसे मुलतवी कर दे। और मीडिया से बात करते हुए बताया कि उस दिन इंटरमीडिएट का इम्तिहान मुकर्रर है और तेलंगाना हुकूमत ABCD जुमरे के जो मसले को लेकर संजीदा है और अनकरीब वो दिल्ली में एहतजाज मुनजिम करेगी।
نائب ریالہ تلنگانہ وزیر تعلیم کے سری ہری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایم آر پی ایس قائدین سے اپیل کی کہ وہ 13 مارچ کو ریاست گیر بند بنانے کا جو اعلان کیا گیا اسے ملتوی کر دے، اور کہا کہ زیر انٹرمیڈیٹ کا امتحان مقرر ہے اور تلنگانہ حکومت اے بی سی ڈی مسئلے کو لے کر سنجیدہ ہے اور ان قریب دہلی میں اس مسئلے کو لے کر احتجاج منظم کرنے والی ہے، اور بتایا کہ ایس ایس سی امتحانات کی تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور ہال ٹکٹس کی اجرائی بھی عمل میں لائی گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ ایس ٹی طبقے کی فلاح بہبود کے لیے سنجیدگی کے ساتھ اقدامات کر رہے ہیں۔ 15 مارچ نیچے وینٹنے ایس ایس سی پریکشل گڑا پرارمہ ہوتنے، ఇప్పటి వరకు ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలన్నీ కూడా శాంతియుత వాతావరణంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో జరుగుతున్నాయి. ఎక్కడి నుండి కూడా ఏ రకమైన ఫిర్యాదులు కానీ ఇబ్బందులు కానీ ఎదుర్కొన్న సంఘటనలు కానీ మాస్ కాపీకి సంబంధించిన సంఘటనలు కానీ మా దృష్టికి రాలేదు. పరీక్షలు సజావుగా జరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో మార్చి 13న తెలంగాణ ప్రాంతంలో షెడ్యూల్ కులాల వర్గీకరణకై పోరాడుతున్న ఎంఆర్పిఎస్ తెలంగాణ బంద్కు పిలుపు ఇవ్వడం జరిగింది. మార్చి 13న ఎంఆర్పిఎస్ ఇచ్చిన బంద్ను కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు కొన్ని విద్యార్థి సంఘాలు బలపరుస్తున్నట్టుగా కూడా నా దృష్టికి వచ్చింది. ریالہ تلنگانہ اور صدر ٹی آر ایس پارٹی کے چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں ٹی آر ایس بھون میں ٹی آر ایس ایل پی کی میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں ریاستی وزراء، اراکین اسمبلی، اراکین کونسل نے شرکت کی. اس میٹنگ میں 12 مارچ سے شروع ہونے والے بجٹ اجلاس میں پارٹی کی حکمت عملی کو قطعیت دی گئی. ریالہ کے چندر شیکھر راؤ نے ریاستی وزراء کو ہدایت دی کہ وہ اپوزیشن کی جانب سے پوچھے جانے والے سوالات کا جواب دینے کے لیے تیار رہیں. وزیراعظم تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں ٹی آر ایس بھون میں ٹی آر ایس ایل پی کی میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں ریاستی وزراء، اراکین اسمبلی، اراکین قانون ساز کونسل نے شرکت کی. اس میٹنگ میں 12 مارچ سے شروع ہونے والے بجٹ اجلاس میں پارٹی کی حکمت عملی پر غور کیا گیا، اور وزیراعلیٰ کے سی آر نے ریاستی وزراء کو ہدایت دی کہ اپوزیشن کے پوچھے گئے سوالات کا جواب دینے کے لیے تیار رہیں اور تمام اراکین اسمبلی اور اراکین قانون ساز کونسل اور کونسل کے بجٹ اجلاس میں ایوانوں میں موجود رہنے کی انہوں نے ہدایت دی. رائے کے مطابق ٹی آر ایس ایل پی کے اجلاس میں تیسرے محاذ کے قیام پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. حلقہ اسمبلی چار مینار کے مغل پورہ ڈویژن میں واقع اسپورٹس کمپلیکس کے سوئمنگ پول کو موسم گرما کے پیش نظر دوبارہ کشادہ کیا گیا ہے. رکن اسمبلی چار مینار سید احمد پاشا قادری نے اس موقع پر افتتاح انجام دیا. مجلسی ڈویژن کارپوریٹر سہیل محمود قادری کے علاوہ دیگر سرگرم مجلسی کارکنان اور عملہ اس وقت موجود تھا. سوئمنگ پول کی کشادگی کے موقع پر کوچ اور دیگر بھی موجود تھے. سوئمنگ پول کے اوقات صبح 6 تا 10 بجے اور شام میں 4 تا 6 بجے ہوں گے. تعلیمی سال کے آخر میں کئی تعلیمی اداروں میں اختتامی تقریب کا اہتمام کیا جا رہا ہے. اس سلسلے کے تحت محمود نگر کشن باغ میں واقع قانگی اسکول کا اینول ڈے بھی مقامی فنکشن ہال میں منعقد کیا گیا. اس تقریب میں مجلسی ڈویژن کارپوریٹرز محمد سلیم اور محمد مبین کو مہمان خصوصی کی حیثیت سے مدعو کیا گیا تھا، جبکہ فاؤنڈر اسکول محمد فیصل عبداللہ نے مہمانوں اور شرکا کا خیر مقدم کیا. مینیجنگ ڈائریکٹر کوئین اگربتی، سید روج الدین کے علاوہ سوشل ایکٹیوسٹ جاوید بن علی اور دیگر بھی موجود تھے. اسکولی طلبہ نے رنگا رنگ پروگرام بھی پیش کیے، جبکہ اساتذہ، اولیاء طلبہ اور سرپرستوں کی کثیر تعداد بھی موجود تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा फजलुल्लाह साहब कॉरेस्पॉन्डेंट खैर मॉडल स्कूल। आज फिफ्थ एनुअल डे सेलिब्रेशन है और फजलुल्लाह साहब जो ये स्कूल चला रहे हैं बहुत कम फीस में चला रहे हैं और गरीब गरीब बच्चों को फीस नहीं ले रहे हैं। तो मैं अभी फजल साहब फाउंडर साहब के साथ में मैं ये भी ऐलान करना चाह रहा हूँ कि टेंथ के बाद जो बच्चियाँ 80-90% जो पास होते हैं और घरों में माँ बाप बिठा लेते हैं, जब कारण रहती फीस नहीं देने की, फीस नहीं देने के कारण बच्चों को घर में बिठा लेते, ऐसे बच्चों को आप लोग घर में मत बिठाइए। मेरा काम है, मैं चार बच्चों की जिम्मेदारी। कमिश्नर पुलिस सुरक्षा कुंडा महेश भागवत की हिदायत पर जवाहर नगर पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ अंबेडकर नगर इलाके में इतवार की सुबह तकरीबन 4:30 बजे तक 6 बजे घर घर तलाशी मुहिम चलाई गई। इस मुहिम में 350 पुलिस अहलकारों ने हिस्सा लिया। डीसीपी मलकाजगिरी उमा महेश्वर की क्यादत में इस मुहिम को चलाया गया, जबकि लावारिस 24 टू व्हीलर्स के अलावा 6 ऑटोज भी जब्त किए गए। 11 LPG सिलेंडर्स जो एक मकाम पर गैर कानूनी तौर पर रखे हुए थे उन्हें कब्जे में लिया गया। एक बुलेट शॉप पर धावा करते हुए 31 शराब की बोतलें भी जब्त की गई, जबकि 6 मुश्तबा अफराद के अलावा मुख्तलिफ जराइम में मुलविस 4 अफराद को भी हिरासत में लिया गया। Good morning, sir. Good morning. रामनगर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसके दौरान शादी के अंदरून 3 माह दुल्हा ने अपनी दुल्हन को पोस्ट के जरिए तलाक नामा भेज दिया। तफसीलात के मुताबिक 17 मार्च 2018 को खादर ने शालीबंडा खजात दफ्तर से इरफाना बेगम के घर तलाक नामा बजरिए पोस्ट रवाना किया। इस सिलसिले में इरफाना बेगम ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पेश है हमारे नुमाइंदे एम ए रशीद की ये मुख्तसर से रिपोर्ट। रामनगर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में पोस्ट के जरिए तलाकनामा भेजने का एक और वाकया पेश आया। आज के दौर में लड़कियों की शादियां काफ़ी मसला बन गई हैं, लेकिन जब कोई माँ बाप बड़ी जस्तजू और मान से अपने लख्त जिगर की शादी करते हैं तो फिर लड़के वालों का गैर मुनासिब तर्ज अमल लड़की के लिए बबाल बन जाता है। ऐसी एक शादी 11 दिसंबर 2017 को इरफाना बेगम की मोहम्मद खादर से अंजाम पाई थी। इरफाना बेगम की शादी के मौके पर उनके माँ बाप ने जिस तरह से मुमकिन हो सके असबाब ज़िंदगी का सामान मुहैया किया। इरफाना बेगम के शौहर मोहम्मद खादर नान की रोटी बनाने का काम करते हैं। शादी के बाद से ही इरफाना को उसके शौहर के घर से मसायब ही मसायब मिले। उसकी बड़ी नंद गौसिया और दीगर नंदों और देवरों ने उसकी ज़िंदगी को अजीरन बना रखा था। हर बात में उसे ताने दिए जाते, हद तो ये हो गई कि उसके कमरे को तक बेपर्दा कर दिया गया था। सास और ननंद कहती कि कोई इस कमरे में नहीं आते तो फिर पर्दे की ज़रूरत ही क्या है। किसी भी तरह वो 11 फरवरी 2018 तक उसके शौहर के घर रही और इसके एक रोज़ बाद शौहर कादर, ननंद गौसिया और दीगर नंदों ने इरफाना बेगम को उसके माँ बाप के घर छोड़ दिया। खादर कभी भी फ़ोन पर बात नहीं करता और इरफाना अपने शौहर को फ़ोन पर बात करती तब खादर झूठे तसल्लियां देकर फ़ोन कट कर देता। इरफाना बेगम को उसके माँ बाप के घर छोड़ने के सिर्फ 1 माह बाद यानी 7 मार्च 2018 को इरफाना को पोस्ट के जरिए शालीबंडा कजात से तलाकनामा भेजा गया। अपनी किस्मत को रोते हुए इरफाना ने बिलाखिर कानून से मदद हासिल करने की कोशिश की है और रामनगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर एम ए जावीद से मुलाकात करते हुए उन्होंने एक शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मोहम्मद खादर के खिलाफ दफा 417, 420 और 498A के तहत केस दर्ज किया। ग्यारह तारीख को आके मैं घर में बैठी, 2018 शुरू हुआ 11 तारीख के दिन मैं घर में आई, 1 महीना हो गया।
बात करे, मैं फोन करते गई, इन्हू एक बार भी फोन नहीं करे मेरे को, मच करते गई बात करे कि क्या हुआ, खैर करे पूछते गई, इन्हू कुछ भी नहीं बोले मेरे को, मच करते गई होना बोल के फोन, क्या है कि आदमी आज नहीं कल बात करेगा, घर में तो बात नहीं करता ना आदमी, फोन पे करेगा बात बोल के फोन करते गई। तो दो दिन में एक बार ऐसा फोन करी तो मैं उठाना, दो तीन घंटे बेल बजी तो जब उठा के फोन पे वो ये बात बोलते थे मेरे को, अब मैं घर को कब आऊँ बोल के ये पूछी तो उन्होंने बोलते कि दो दिन ठहर बुलाता हूँ, 15 दिन ठहरो बुलाता हूँ, अम्मा कहने 20 दिन रहो बुलाता हूँ, ऐसा ऐसा बोलते गए। पूरा एक महीना हो गया अभी तक नहीं बुलाए, घर पे नोटिस भेजे तलाक की, किस वजह से भेजे, मेरी क्या गलती थी, क्या मैं घर का काम नहीं करी, क्या नहीं करी, मैं सब कुछ करी, हर चीज़ था, हमारा शौहर क्या बोले सबके सामने, हमारी बीवी काम नहीं करती बोल के बोले, ये सब से टॉर्चर देते गए मेरे को, और उनके दिल में क्या चला, क्या है क्या नहीं वो नहीं मालूम, या नो ज़बरदस्ती से शादी करे नहीं मालूम, उल्टा मेरे ऊपर केस डाल दिया कि मैं ज़बरदस्ती से करी इनके साथ शादी, क्यों करते मैं ज़बरदस्ती से शादी, मेरी हाथ ही बल्कि तो मैं शादी करी थी उन्होंने, तो दूसरा मेरे ऊपर गलत तोहमत डाल दिए कि मैं ज़बरदस्ती से शादी करी, हाँ बोली ये करी, भाई मजबूर करे मेरे के ऊपर शादी करने के लिए, ऐसा सब बोले, ये सब गलत है बात, हर बात पर लगाते गए लगा देवर देखे सो, जब देखो जब क्या बोलते थे, मम्मी को जवाबा नहीं देना, जवाबा नहीं देना बोल के ऐसा बोलते थे, अगर जवाबा दिए हमारे मम्मी को घर में तो मार डालते हम तुम्हारे को, अब जो बाहर के लोग हैं ना हमारे भाई ना गए सो उन लोग तक आके मारते बोल के, हमारे देवर बोले अहमद है उसका नाम, अहमद है उन्हीं तक बोला मेरे को मार देते बोल के, हमारे शोहर को बाहर में तो बाहर में नहीं बात मालूम हुई, हर चीज़ ऐसा टॉर्चर देते गए, और रात का खाना सुबह में गर्म करके देते थे, मैं दो तीन वक्त देख के अंदाज नज़रअंदाज कर दी, चलो भाई घर का छः माहौल घर में खाना रहता बोल के, हमारे भाई का भी अफेयर चल रहा बोल देंगे क्या भाभी को बोल के ऐसा बोले मेरे सामने, मैं फिर वो भी बात को नज़रअंदाज कर दी, इनका अफेयर चलो या ना को चलो मेरे को उससे मतलब नहीं है, मेरे को शोहर के साथ रहना है अच्छे से कैसे भी रहने दो उनको बोल के, मैं ये बात से भी खामोश हो गई नज़रअंदाज कर दी। फिर अहमद दोबारा मैं दो तीन हमारे मम्मी बोले कि जवाबा नहीं देना मेरे को वो नहीं देना, फिर भैरिया मार देते हम बाला पकड़ के मारते बोल के, हमारे ननन देवर आए बोले, और जब देखो जब तुम्हारा मर्द नहीं कमाता ये चीज़ पे खर्च ना को करो वो ना को करो बोल के ये बोलते गए, और भाई का जितना भी पैसा था शेखा भेजा सो खाते और लंगा, फिर बोलते मर्द नहीं कमा रहा बोल के, बोलते हमारे तो पहले से खा रहे हैं बोल के, बोलते लंगा खाना तुम्हारा मर्द तो कुछ भी नहीं कमा रहा, सब जितना भी खा रहे हैं तुम्हारे परिवार तुम्हारा मर्द हमारे तुफेल से खा रहे हैं बोल के बोले, यही बात इतने बात हुए तो मैं हर चीज़ के लिए नज़रअंदाज करते कि आज नहीं कल मेरा शोहर सुधरेगा, पर उन्हें सुधरने का नाम नहीं ले रहे, अब देखो सो नोटिस भेजा दिए घर पर तलाकनामा देते बोल के मेरे को, किस वजह से भेजाते, 4 महीने नहीं हुआ मेरी शादी हो गए, किस वजह से भेजाते नोटिस, और दुनिया की घर में तकलीफ देते गए, मैं घर में कितना की काम करी तो भी नहीं करी बोलते लगा, और मैं कमरे में भी गई तो पर्दा नहीं छोड़ना, कहीं कुछ छोड़ के सोते तुम लगा, कोई भी नहीं आते ना ननन आते ना देवर आते ऊपर, तुम कहीं को खोल छोड़ के सोते दरवाज़ा भी नहीं लगाना, तो ऐसा टॉर्चर करते हम, मैं मियाँ भी सोए तो क्या दरवाज़ा नहीं लगाना बल्कि, इससे पहले हमारी सास को पूछी तो हमारे सास बोले हाँ कोई भी नहीं आते आपके घर में रूम में, आप दरवाज़ा नहीं भी लगा के सोए तो चल जाता बोल के बोले, वो भी खामोश बैठ गई, फिर भी चलो जान दो बोल के दरवाज़ा लगा के नहीं सो, कभी कभार तो फैक्स पर्दा ही छोड़ के सो गई थी मैं, हर चीज के लिए ऐसा टॉर्चर करते गए, सोने के बारे में भी बोले सोना दावत में गए तो भी वली में के दूसरे तीसरे दिन ही सोना ले लिए मेरा, कहीं दावत में जाना रहा तो सब फेंक के देते सोना ले लो पहन लो बोल के, ऐसा फेंक के देते हैं लगा, हर बात के करे थे दावतों में झिड़की दुआ से ऐसा टॉर्चरा देते रहते, हमारे कने लोग इतने अच्छे तुम्हारे लोग ऐसे खराब है, हर बात के लिए टॉर्चर करते थे, दावत में लेके गए तो टॉर्चर करके लेके जाते थे, तुम्हारे हमारे घर के लोग देखे कितने तौर तरीके हैं, तुम्हारे लोग देखो कैसे तौर तरीके के हैश ने जरा भी बोलते थे, हमारी इज्जत तो पूरी मट्टी में मिला देते, हम जीता हमारे अम्मी दुनिया की मेहनत करके, हमारे भाई दुनिया की मेहनत करके मेरे को पैसा लगा के शादी करके दिए, वहाँ जाके इतना टॉर्चर करते रहते। सीनियर कांग्रेस कायद हनुमंत राव ने जिला तेलंगाना केसीआर पर इल्जाम आयद किया है कि वो तहफुजात देने के सिलसिले में संजीदा नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर उजराला के चंद्रशेखर राव और टीआरएस पार्टी एसटी तबके को एबीसीडी जुमरे में शामिल करने के सिलसिले में संजीदा होती तब टीआरएस अराकीन पार्लियामान तहफुज के मसले पर एहतजाज करने के मौके पर पार्लियामेंट में एबीसीडी जुमरे के मसले पर भी एहतजाज करते थे। उन्होंने कोदंडाराम को मिलियन मार्च की इजाजत न देने की सख्त मजम्मत की। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर उनके ईमानदारी है दिल साफ है तो बराबर कैटेगराइजेशन में भी पार्लियामेंट में उठाते धरना भी करते, अगर नहीं करे तो समझ जाना ये बेईमानी का काम है,
लोगों को धोखा देने का काम है। दूसरा इश्यूज लेते सौगात यह क्यों नहीं लिए? और दूसरी बात, हमारे कोदंड राम कितना लड़ाई करा तेलंगाना के वास्ते, काफी जिद्दजू करा, मिनिमम मिलियन मार्च करा है, उल्टा वार्प करा है। उस वक्त कोई पुलिस वाले रोके नहीं ना। अब तू तेलंगाना सरकार आने के बाद हर चीज तू रोकता, तू धरना चौक उठा देता। अगर तेरे को दम है तू कहे कि दिल्ली में जाके रिजर्वेशन के वास्ते दिल्ली में शंतर मंतर के सामने धरना करना चाहता, हमारा धरना चौक क्यों निकालता? बराबर जो जैसा ये लोग पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे, वैसी मैं हमारे जाना रेड्डी से मेरी गुजारिश है, वो भी कल से असेंबली चलने नहीं देना, क्या होता देखेंगे। ये बाप की जागीर है, वो खुद जाए तो पार्लियामेंट में गड़बड़ कर सकते, तेलंगाना में असेंबली में गड़बड़ क्यों नहीं करना? पहले तेलंगाना के वास्ते कितने की मरता असेंबली चलने नहीं दिया, वैसी कल से हर आदमी चलने नहीं देना। हमारे कांग्रेस वाले भी असेंबली चलने नहीं दे, तो ताकि आवाम को पता लगता ये केसीआर की दादागिरी। और असेंबली में सभी लोग बोल रहे वाह यहाँ पर असेंबली चलने देना, तुम लोग क्या कर रहे भाई? तेलंगाना के वास्ते असेंबली चलने दिया क्या? आज कैटेगरी आज रिजर्वेशन के वास्ते पार्लियामेंट चलने नहीं देते आप, असेंबली चलने में चला रोकने में क्या नुकसान है? बराबर करना चाहिए। मेरी बजाज पुलिस स्टेशन हदूद में वाकई के बी आर पार्क के करीब एक तेज रफ्तार कार बेकाबू हो गई और डिवाइडर से टकरा गई। तहम किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। कार ड्राइवर कार को छोड़कर फरार हो गया। कार को हैंड ब्रेक होने की वजह से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इत्तला मिलते ही ट्रैफिक और लॉन्डर पुलिस ने मकान विवाद से पहुंचकर क्रेन की मदद से कार को मुंतकिल किया। बजराइज पुलिस ने इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया। एविएशन सेक्टर के बढ़ते रुझान और ट्रैवल एजेंसियों की मांग को पेश नजर रखते हुए मुख्तलिफ इलाकेजात में ट्रैवल एजेंसीज का क्याम अमल में लाया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत बंजारा हिल्स में भी एक ट्रैवल एजेंसी का आगाज किया गया। तफसीलात के मुताबिक क्लाउड टूर्स एंड ट्रैवल्स में मजलिस रुकन असेंबली कौसर मोहियुद्दीन का खैर मकदम किया गया और उन्हें तहनीत पेश की गई। इस मौके पर मलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर्स अजीज खान पठान, मोहम्मद नसीरुद्दीन, मोहम्मद फरहान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सैयद नजीब चेयरमैन ने मलिसी रुकन असेंबली के अलावा मेहमानों और शुरका का खैर मकदम किया और तहनीत पेश की गई। इस मौके पर मोहम्मद कदीर, जावेद रब्बानी के अलावा दीगर अहबाब भी मौजूद थे। वादरे के बंजरा हिल्स में आगाज करदा टूर्स एंड ट्रैवल्स में ये एक ऐसी टूर्स एंड ट्रैवल्स है जहां पर कई ऑफर्स मौजूद हैं। शोबे एविएशन में बढ़ते रुझान को देखते हुए इन ट्रैवल एजेंसियों का आगाज किया जा रहा है। दोस्त अहबाब ने इस मौके पर चेयरमैन सैयद नजीब को मुबारकबाद भी पेश की। बेजोन डीसीपी वेंकटेश्वर राव की हिदायत पर आसिफ नगर डिवीजन के पुलिस स्टेशन हुमायूं नगर में हफ्ते की रात चबूतरा मिशन ऑपरेशन मुहिम चलाई गई। इस मुहिम में जुमला 29 अफराद को हिरासत में लिया गया, जिनमें 6 अफराद के ताल्लुकात मुजरिमाना सरगर्मियों से पाए गए हैं। मकामी शादी खाने में उनकी काउंसलिंग की गई।
بعد انہیں رہا بھی کیا گیا، جبکہ اسی طرح کی ایک اور مہم شاہ عنایت گنج پولیس اسٹیشن میں بھی چلائی گئی، جس میں جملہ 52 افراد کو حراست میں لیا گیا، بعض ان کی بھی کاؤنسلنگ چلائی گئی۔ واضح رہے کہ ڈی سی پی بیزون کی ہدایت پر مختلف پولیس اسٹیشن حدود کے علاقے جات میں اس طرح کی مہم چلائی جا رہی ہے۔ ఫస్ట్ ల్యాండ్ సార్ ఆ సరౌండింగ్ ప్రాంతాల్లో మిషన్ చబుతరా కార్యక్రమంలో భాగంగా 25 మంది అనుమానితుల్ని కస్టడీ తీసుకోవడం జరిగింది. వాళ్ళని విచారించగా అందులో 20 మంది ఎటువంటి రికార్డు లేకుండా, అంటే ఫస్ట్ టైంగానే వాళ్ళు ప్రాంతంలో మాకు దొరికినారు కాబట్టి వాళ్ళకు మొదటిసారిగా కౌన్సిలింగ్ నిర్వహించి పంపడం జరిగింది. మిగతా 4 వాళ్లకు కొంతమంది అపరాధులతోటి సంబంధాలు ఉన్నాయని టెక్నాలజీ ద్వారా మనకు అవగతమైంది. వాళ్ళని రేపు మార్నింగ్ విచారించి నిర్ధారించుకొని تلنگانہ ریاست کے مختلف مقامات پر اتوار کو پلس پولیو پروگرامز کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں 0 سے 5 سال عمر کے بچوں کو پولیو خوراک پلائی گئی۔ اس سلسلے کے تحت مجلسی رکن اسمبلی حلقہ کاروان کوثر محی الدین نے میراج کالونی ٹولی چوکی میں واقع ایک مرکز پر اس مہم کا افتتاح انجام دیا۔ انہوں نے 5 سال تک کی عمر کے بچوں میں پولیو ڈراپس پلوانے کی بھی ہدایت جاری کی۔ انٹرنیشنل ویمنس ڈے کے موقع پر تلنگانہ لیگل سروس اتھارٹی کی جانب سے فلک نما تابلارم ایڈوکیٹس نے ایک بائک ریلی نکالی، جس میں زیادہ تر خاتون ایڈوکیٹس نے شرکت کی۔ ریلی میں شریک ایڈوکیٹس نے مطالبہ کیا کہ غربا کو مفت قانونی امداد فراہم کی جائے، خواتین اور بچوں کے خلاف ہو رہے مظالم کے کیسز میں بھی مفت مدد دی جائے، الہ آبادی خواتین میں شعور بیدار کرنے کی غرض سے مذکورہ ریلی کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ طلبا طالبات میں خود اعتمادی پیدا کرنے کی غرض سے امتحانات کے ڈر کو ختم کرنے کے لیے ہولسٹک تھراپی کروائی جا رہی ہے۔ اس قسم کی ایک کوشش حیدرآباد میں سہانا رابندر ناتھ کر رہی ہیں، جس کے مثبت نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ سہانا رابندر ناتھ سے ریوی نیوز کے نمائندے نے خصوصی بات چیت کی اور بتایا کہ طلبا میں خودکشی کے بڑھتے رجحان، اساتذہ کی جانب سے بے جا سختی، کارپوریٹ ملازمین میں بڑھتے تناؤ کو کم کرنے کی غرض سے اس تھراپی کو شروع کیا گیا ہے۔ رضا کے حمایت نگر میں واقع کاؤنسلنگ تھراپی سینٹر پر مختلف سیشنز منعقد کیے جا رہے ہیں کی سیشن کرتے ہیں، جس میں آپ کو چاہے ڈر ہو کسی چیز کا، جیسے ایگزامس ہیں بچوں کے، ایگزامس کے لیے ان کو بہت سٹریس ہو جاتا ہے یا کوئی اینگزائٹی اور ڈپریشن فیس کر رہے ہوں، تو ان کے لیے ہم تھراپی کرتے ہیں۔ جو 10 سیشن کے اندر بہت لوگ ہیں جو آ چکے ہیں ہمارے سینٹر میں، جو کیور ہو چکے ہیں ڈپریشن اور اینگزائٹی سے۔ ویسے بھی ہم بہت زیادہ لوگوں کے لیے ٹریننگ کر چکے ہیں
बहुत जगह हम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग दे चुके हैं और हमको पता है कि ये कॉर्पोरेट दुनिया में कैसे कितनी प्रेशर होते हैं लोगों पर, तो उस हिसाब से हमको पता है कि कोचिंग कैसे करना चाहिए। हम एक प्रोफेशनल कोच रह चुके हैं और अभी भी हैं, एंड आई मेंटर अ लॉट ऑफ कंपनीज फॉर NASSCOM presentations, I mentor them before because they're going to make corporate presentations in an open forum. तो तब भी हम उनके लिए help करते हैं। जहाँ पर बच्चों के साथ हमने एक program किया था 10th class के बच्चों के जो CBSE exam लिखने वाले थे, तो उनके लिए उनके anxiety और stress को reduce करने के लिए school ने हमें बुलाया था, तो बहुत सारे बच्चे benefit हो रहे हैं। हमारे पास ऐसे भी जो बच्चे हैं जो डर के मारे कुछ कर नहीं पाते, जो 40 मार्क्स लेते आ रहे हैं और प्री बोर्ड्स के टाइम पे भी 40 मार्क्स लिए हैं और एग्जाम में सडनली 85% आफ्टर 6 or 7 सेशंस। सो इसलिए कि उनका डर चले गया, इसलिए नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं। तो पता है हमने 8 घंटे सोए हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे लेके आते हैं हमारे पास, जैसे 16 ईयर्स के बच्चे आई थी जिनको 1 साल से नींद पूरी नहीं हो रही थी, तो वो एक्चुअली हमारे व्हाट्सएप में भी मैसेज है, वो कह रहे हैं कि 8 घंटे की नींद, मैंने पहली बार 8 घंटे के लिए सोया है। और एक 16 साल के बच्चे के लिए वो नींद नहीं रहना आपको पता है कितना मुश्किल है, जो पढ़ाई कर रही है वो भी क्लास 11 के बच्चे। तो ये प्रेशर जो बढ़ रहा है इस वजह से बच्चे ये सोचते हैं कि जो पढ़ रहे हैं वो काफ़ी नहीं है, इसीलिए उनको प्रॉब्लम हो रहा है। तो वो अगर हम दूर कर देंगे उनके मन से, बेशक कर पाएंगे। जो बच्चा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता हो, जो बच्चा म्यूजिक में पार्टिसिपेट करता हो, जो बच्चा घर में कुछ काम कर सकता हो, पढ़ाई क्यों नहीं कर सकता? डेफिनेटली कर सकते हैं, मगर ये प्रेशर होता है कि आपको इतना स्कोर ले आना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, वो प्रेशर उनसे बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए उनको सुसाइडल टेंडेंसीज आती हैं। आप पढ़े तो पढ़े या नहीं, इट्स बिकम एज इम्पॉर्टेंट एज ईटिंग एंड स्लीपिंग। तो हम सोचते हैं कि बच्चों को कैसे भी ए ग्रेड लाना आसान है, सिर्फ उनके मन में जो प्रेशर होता है उसके वजह से वो कर नहीं पाते, उनको इंटरेस्ट नहीं होते। कई बार ऐसे होता है कि टीचर ने कुछ बोल दिया, मम्मी ने कुछ बोल दिया, इसलिए हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे, वो मन में बैठ जाता है उनके। और वो एज में जो है 7 से लेके 10 तक बहुत सेंसिटिव होते हैं बच्चे, वो टाइम पे उनसे ऐसे कुछ हार्शली कोई बता देता है कुछ, तो उसके बाद उनके मन में बैठ जाता है और वो सोचते कि नहीं मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा या मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, तो इसीलिए उनको वो स्ट्रेस हो जाता है। क्लब वन एयर की जानिब से अपने काफिले में एक और तैयारी का इजाफा किया गया है। इस सिलसिले में मुनक्किदा तकरीब और प्रेस कॉन्फ्रेंस से मार्केटिंग हेड संजीव सेठी ने खिताब किया और तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि फाल्कन 2000 फ्रेंच बिजनेस जेट का इजाफा किया गया है, जबकि क्लब वन एयर के पास पहले ही से तकरीबन 10 मॉडर्न तैयारे मौजूद है। फिक्स कमिटमेंट, इफ समबडी विशेस टू फ्लाई दे गिव अस अ शेड्यूल, वी ब्लॉक द एयरक्राफ्ट अकॉर्डिंगली, वी गिव द एयरक्राफ्ट एज पर देयर नीड। इट्स बेसिकली अ मिशन बेस्ड एंड चॉइस ऑफ एयरक्राफ्ट्स दे वांट टू यूज। हमारी प्लानिंग है और एयरक्राफ्ट लाने की, हमारी प्लानिंग है इंडिया को कनेक्ट करने की। हम ऑलरेडी हमारा ऑफिस दिल्ली में है, हमारे पास अभी 10 प्लेन है एंड प्लान है कि हम अगले इस कमिंग साल में कम से कम 4 से 5 प्लेन और ऐड करें। एंड हमारे ऑफिसेज मुंबई में इस्टेब्लिश हो चुके हैं, हमारा प्लान है कि हम साउथ में भी अपना एक ऑफिस बनाएं एंड ऑल्सो इन द ईस्टर्न रीजन। आखिर में हम खबरें एक बार फिर, तेलंगाना असेंबली और काउंसिल बजट इजलास का 12 मार्च से होगा आगाज, गवर्नर ईएसएल नरसिम्हन का खुतबा, 15 मार्च को मेगा बजट की पेशकशी। हुक्मरान टीआरएस पार्टी ने राज्यसभा के लिए 3 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, संतोष कुमार, बंडारू प्रकाश और बी लिंगैया होंगे उम्मीदवार। जवान नगर हुदूद में पुलिस की जानिब से घर घर तलाशी मुहिम, मुश्तबा अफराद जेर हिरासत, लावारिस गाड़ियां की गई जब्त।
شادی کے اندرون 3 ماہ پوسٹ کے ذریعے طلاق نامہ بھیجنے کا ایک اور افسوسناک واقعہ رین بازار پولیس نے کیس کیا درج۔ مغل پورہ اسپورٹس سینٹر میں موسم گرما کے تحت سوئمنگ پول کی دوبارہ کشادگی، مجلس رکن اسمبلی نے کیا افتتاح۔ اس کے ساتھ روبیو جنگل یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز۔ ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیتے ہیں کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا۔ السلام علیکم۔